नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RRVPNL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1295 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन या MBA या डिप्लोमा या LLB या BCOM या 12वीं की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 42 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST MBC BPL को 1400 रुपए और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 1600 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 22 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप energy.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है लीगल ऑफिसर, टेक्निकल मैनेजर, सिविल असिस्टेंट मैनेजर, राजभाषा असिस्टेंट मैनेजर, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 29 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास LLB या BE या BTEC या ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 44 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को 600 रुपए, SC ST को 1000 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 10 मार्च 2021 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.rbi.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट टीचर प्रिंसिपल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1894 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 44 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 8 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.examregulatoryauthorityup.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UKSSSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सिक्योरिटी गार्ड। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 33 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का 10वीं पास होना, इसके साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड का भी अच्छा होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को 300 रुपए, SC ST को 150 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 26 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप UKSSSC online.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल पटना की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है पुलिस फायरमैन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तों की कुल संख्या 2380 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 12वीं के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के अनुसार होना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 साल तय की गई है। वहीं अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को 450 रुपए, SC ST को 112 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 25 मार्च 2021 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 475 है। जहां तक ट्रेड्स या फिर पद की बात करें तो इसमें फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, मैकेनिस्ट ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जनरल पेंटर, शीट मेटल वर्कर, मोटर व्हीकल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वेल्डर, स्टेनोग्राफर है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास रेलिवेंट ट्रेड में ITI की डिग्री होना अनिवार्य है। जहां तक उम्र सीमा की बात है तो फिलहाल इसको साझा नहीं किया गया है। वहीं अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क इन पदों के लिए नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 13 मार्च 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप hal-india.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड महाडिस्कॉम की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है विद्युत सहायक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 7000 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 12वीं के साथ साथ रेलिवेंट ट्रेड में डिप्लोमा की डिग्री होना भी अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 20 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.mahadiscom.in पर जाकर आवेदन
आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से निकाले गए रिक्तों के बारे में। पद का नाम है वायरलेस ऑपरेटर, वायरलेस सुपरवाइजर, टेक्निकल ग्रेड 2। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तों की कुल संख्या 1325 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का 12वीं या फिर स्नातक पास होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वायरलेस ऑपरेटर के लिए SC ST को ₹25 देने होंगे और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹275 देने होंगे। वायरलेस सुपरवाइजर के लिए SC ST को ₹25 तो बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹325 देने होंगे। आखिरी तारीख 22 मार्च 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.wbpolice.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट सर्जन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 2452 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 32 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PH को जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं उनको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹500 देना होगा। आखिरी तारीख 25 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे MP हाईकोर्ट जबलपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 32 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक लॉ में होना अनिवार्य है। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 30 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अभ्यर्थियों को ₹922 आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। आखिरी तारीख 18 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.mphc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ट्रेनी फील्ड असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 2900 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं और ITI की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PH को ₹500 और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹1000 देने होंगे। आखिरी तारीख 19 मार्च 2021 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.tangedco.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।